नमस्कार दोस्तों, टेक्निशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं दोस्तों। जो आपका स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर है एमसीसी और पीसीसी पैनल में आपको देखने के लिए मिलेगा। जब आप एक थ्री फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का कनेक्शन करते हैं तो इसका जो फेज सिक्वेंस है वो किस तरीका से चेंज करना है। जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा, अगर फेज सिक्वेंस ठीक से नहीं मिलाते हैं तो आखिर क्या क्या होता है और किस तरीका से कन्फर्म कीजिएगा। मोटर आपका स्टार में चल रहा है लेकिन जैसे ही डेल्टा हो रहा है तुरंत आपका मोटर बंद हो जा रहा है। तो इस टाइप का जितना सारा क्वेश्चन आप टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछे हैं, हर एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं इसी वीडियो में दूंगा। वीडियो को आपको बारीकी से देखना है, तभी क्या होगा आपके अंदर में डाउट क्लियर होगा, नहीं तो कभी भी नहीं होगा। जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा, आर वाई और बी ये जो सप्लाई है, इनपुट सप्लाई किस में आ रहा है, मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर में। यहां से आउट होने के बाद मेन कॉन्टेक्टर में आर वाई और बी आ रहा है। यहां से आउट होकर किस में जा रहा है, थर्मल ओवरलोड रिले में। थर्मल ओवरलोड रिले से आउट होने के बाद किस में जा रहा है, मोटर टर्मिनल में, आर वाई और बी। ठीक इसी जगह में देखिए जो आपका डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर का कनेक्शन दिया हुआ है। जितना भी प्रैक्टिकल वीडियो और फोटो खींच के भेजे थे डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर में ही आपका गलती था, यानी कि जो आपका आर फेज आ रहा है, आर फेज किस टाइप से कनेक्शन दिया हुआ है, आर वाई और बी दोनों तरफ सेम दिया हुआ है फेज सिक्वेंस। यानी कि यहां पर भी जो मेन कॉन्ट्रेक्टर है आर वाई और बी, जो डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर है इस पे भी आर वाई और बी दिया हुआ है। आप जो वीडियो और फोटो भेजे थे उसमें क्या था, बी वाला फेज आर के जगह, आर वाला फेज बी के जगह। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको नहीं आता है तो इसका एक मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेके रखना है और देख देख के मिला के कनेक्शन करना है। अगर देख देख के मिला के कनेक्शन कर दीजिएगा तब भी आपका मोटर जो है वो आपका चालू हो जाएगा। तो डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर से आपका क्या आउट हो रहा है, आर वाई और बी। अभी जो आपका मोटर टर्मिनल है इसमें आपको दो को केबल देखने के लिए मिल रहा है। जब देखिएगा प्रैक्टिकल काम होता है तो एक टेस्ट लैंप बनाना पड़ता है, दो को 100 वाट का लैंप देखे इसका सीरीज कनेक्शन करना पड़ता है, तब आप फेज टू फेज चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो मल्टीमीटर से चेक करना पड़ता है। अगर आपका जो सीनियर है आपको बोल दिया कि ये जो एक थ्री फेज स्क्विरल केज 55 किलोवाट का मोटर है इसका कनेक्शन कर दो, उस टाइम जैसे ही आपको बोलेगा तो आपको साथ में मेगा और मल्टीमीटर और टेस्ट लैंप लेके जाना है, तब क्या होगा दोबारा लौट के आना नहीं पड़ेगा। तो जब आप फेज सीक्वेंस को मिला रहे हैं, यानी कि आर के साथ आर को मिलाना पड़ेगा, वाई के साथ वाई को, बी के साथ बी को, तो जो आपका प्रैक्टिकल फील्ड होता है इसमें देखिएगा थोड़ा अंदर में डर बना हुआ रहता है। जब आप काम कीजिएगा तो ये जो आर वाई और बी का तीनों फेज है, इसका जो केबल है इसको थोड़ा सा दूरी दूरी में गैप कर लीजिएगा दोनों को। इसके बाद एमसीसीबी को ऑन करना है और स्टार्टर को चालू करना है। जैसे ही आप चालू कीजिएगा तो शुरू में देखिएगा स्टार कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा, इसके बाद मेन कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा। थोड़ा जो आपका टाइम है, टाइमर कंप्लीट हो जाएगा टाइम, तो आपका डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर ऑन हो जाएगा। जब आपका डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा तो आपका यहां से क्या जा रहा है, आर वाई बी, आर वाई बी। अभी बल्ब होल्डर लगा के आपको चेक करना है कि आर में एक बल्ब होल्डर का लीड लगाना है और दूसरा लीड जो है वो आर में लगाना है। अभी ये कॉन्फर्म नहीं करना है कि ये आर है ना वाई है ना बी है। जो आपको केबिल मिला है तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है तीन गो कलर है, आर मतलब रेड, वाई मतलब पीला कलर, बी मतलब ब्लू कलर। बाल फोल्डर का एक लीड आप आर में लगाए, दूसरा लीड जो है फिर आर में लगाइए। जब लगाइएगा तो बाल फोल्डर आपका किसी भी हाल में नहीं जलेगा, लेकिन वाई और बी में आपका बाल फोल्डर जलेगा। तब आपको क्या कॉन्फर्म हुआ कि ये दोनों जो फेज है ये सेम फेज है। इसके बाद फिर वाई को भी सेम तरीका से चेक करना है, बी को भी सेम तरीका से चेक करना है, और चेक करने के बाद ये कॉन्फर्म करना है कि आर वाई बी। तो अभी दोस्तों ये कॉन्फर्म हो गया कि फेज जो है वो हमारा कौन किस टाइप से है और किस तरीका से चेक करेंगे। जो आप मेगर लेके गए हैं, जो आपका सीनियर बोल दिया है कि 55 किलोवाट का मोटर को स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर से चालू कर दो,
बोल दिया इसका मतलब तुरंत जाकर कनेक्शन करके चालू कर देना नहीं है, उससे पहले कुछ चेकिंग है, चेक करना है, इसके बाद आपको मोटर को चालू करना है। जो आपका 55 किलोवाट का मोटर है इसमें पहले आपको मेगा से चेक करना है, यानी कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करना है। इसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू है 10 मेगाओम्स आना चाहिए। इसके ऊपर भी वीडियो बनाकर मैं आप सभी को समझाया हूँ, एक जो 3.75 किलोवाट का मोटर है इसमें 1 मेगाओम्स आ रहा है तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मोटर बड़ा होगा तो इसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू है ये भी आपका ज्यादा होना चाहिए। जब आप मोटर टर्मिनल को खोलिएगा इसमें आपको U1, V1, W1 देखने के लिए मिलेगा, और जो 3 गोल लीड है क्या देखने के लिए मिलेगा ना, U2, V2, W2। तो आपको क्या देखने के लिए मिला, 3 फेज स्क्रू गेज इंडक्शन मोटर में 6 टर्मिनल देखने के लिए मिला। अभी इसमें क्या करना है, मल्टीमीटर से चेक करना है, U1 के साथ U2 को चेक करना है, देखना है मल्टीमीटर को सेटिंग करके कंटिन्यू में सेट किए तो साउंड बज रहा है कि नहीं बज रहा। U1 के साथ U2 का साउंड बजना चाहिए, यानी कि कंटिन्यूटी आना चाहिए। फिर V1 के साथ V2 का आना चाहिए, W1 के साथ W2 का आना चाहिए। इससे क्या कन्फर्म हुआ कि मोटर में जो हमारा कॉयल है ये हमारा सही है या खराब है। और जब आप U1 के साथ जो है U2 इसका रेजिस्टेंस वैल्यू भी चेक करना है। रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर में ओम्स में सेटिंग करना है और देखना है कितना रेजिस्टेंस वैल्यू बता रहा है। जब आप U1 के साथ U2, V1 के साथ V2, W1 के साथ W2 का रेजिस्टेंस वैल्यू चेक कीजिएगा तो हमेशा बैलेंस में होना चाहिए। अगर 0.1 बता रहा है तो तीनों में आपका 0.1 बताएगा, अगर 0.2 बता रहा है तो सब में आपका 0.2 बताएगा। रेजिस्टेंस वैल्यू भी आपका चेक हो गया बैलेंस है या नहीं है, और कंटिन्यूटी भी आपका चेक हो गया, और आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू भी चेक हो गया। अभी आ जाता है कनेक्शन करना। जब आप कनेक्शन कीजिएगा जो आपका मेन कॉन्ट्रेक्टर है इसमें क्या आया, RYB आया है, जो आपको मोटर टर्मिनल में क्यों मिला, U1, V1, W1 इसमें आपको तीनों में जोड़ देना है और दबा कर टाइट कर देना है। इसके बाद जो आपका डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर है इसमें आ रहा है क्या, RYB, तो इसमें आपको कौन सा कनेक्शन करना है, जो आपको मोटर टर्मिनल में W2, U2, V2 इसके साथ जोड़ देना है और दबा कर टाइट कर देना है। इसके बाद आपका क्या हो गया, मोटर टर्मिनल का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अभी प्रैक्टिकल में जब आप चालू कीजिएगा तो मोटर आपका घूम जाएगा, एकदम 100% मोटर घूमेगा, अगर मोटर में कुछ फॉल्ट नहीं रहेगा तब। तो जब आप मोटर को चालू किए तो उस टाइम देख रहे हैं कि मोटर आपका उल्टा घूम रहा है। अभी क्या होगा, अभी उसको सीधा घुमाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट आपको क्या बोलेगा, मोटर उल्टा घूम रहा है इसको सीधा करके दो। तो बहुत सा जगह में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इनपुट में आपका बसवार लगा हुआ है तो यहां से तो आप घुमा नहीं सकते हैं, जो घुमाना होगा मोटर टर्मिनल से ही आपको घुमाना पड़ेगा। जहां पे बसवार लगा हुआ रहता है प्रैक्टिकल फील्ड में MCC और PCC पैनल में आपको हमेशा दिक्कत देखने के लिए मिलेगा। अगर बसवार नहीं रहता तो इनपुट में अगर आप चेंज कर देते जैसे Y और R को चेंज कर देते तब भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में हम लोग किस टाइप से करते हैं, फेज रोटेशन यानी कि फेज सिक्वेंस जो है उसको मिला के सही रखते हैं। जो जब हम लोग इनपुट में चेंज करते हैं तो R को और B को चेंज करते हैं, यानी कि B इधर आ जाएगा R इधर आ जाएगा। अभी जब आप फेज सीक्वेंस को देख रहे हैं R, Y और B हो जाएगा, तो इस टाइप से आपको चेंज करना है। अब बसवार लगा हुआ इनपुट में, अब कैसे चेंज होगा ना, मोटर टर्मिनल में चेंज करना है। मोटर टर्मिनल में जब आप चेंज किए शुरू में कौन सा कनेक्शन किए थे, R, Y और B, दोनों में ही RYB था। अभी क्या करना पड़ेगा, आपको दो दो केबिल एक साथ में चेंज करना पड़ेगा। दो दो केबिल मतलब क्या, ये जो आर आर में रहेगा, वाई वाई में रहेगा, बी बी में रहेगा। तो इसमें जो आपको दो गो केबिल मिला शुरू में आप RYB का कनेक्शन किए थे, इसमें भी RYB का कनेक्शन किए थे, अभी क्या होगा, बी और आर को आपको इंटरचेंज करना है। बी और आर को जब चेंज कीजिएगा तब उस टाइम जो आपका फेज सीक्वेंस है ये आपका क्या होगा, RYB होगा, और इस पे भी RYB होगा। तो अभी आपको समझ में आ गया है कि किस तरीका से जो आपका स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर है इसका फेज सीक्वेंस किस तरीका से चेंज करना है। हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जो ये फेज सीक्वेंस आप चेंज कर रहे हैं मोटर टर्मिनल में, हमेशा दो दो केबिल आपको चेंज करना है। RYB था पहले, फिर दूसरा बार में क्या किए, RYB किए, ये दोनों केबिल को इंटरचेंज कर रहे हैं। इस टाइप से कीजिएगा
जो मोटर टर्मिनल को खोलेगा वो देख के ही बोलेगा सही काम किया है। बहुत सा फ्रेंड क्या करता है, वाई और बी को चेंज कर देता है, इधर वाई कर देगा इधर बी कर देगा, इसको भी इधर वाई कर देगा इधर बी कर देगा, तो इसमें क्या फेज सीक्वेंस आपका सही रहा? जो भी आके देखेगा बोलेगा गलत कनेक्शन किया, मोटर तो भले आपका सीधा घूम जाएगा लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब भी करना है आपको फेज सीक्वेंस जो है वो आपको मिला कर रखना है। अब क्या होगा, अब जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा कभी भी जाके मोटर का कनेक्शन भी खोलिएगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा। आपको पता है कि यहां से हमारा आर वाई और बी है, नीचे से भी आर वाई बी है, इसी टाइप से दोस्तों प्रैक्टिकल में कनेक्शन करना पड़ता है, कनेक्शन होता है जब आप पावर प्लांट रोलिंग मिल ब्लॉक मिल एचएसएम एसएमएस डिपार्टमेंट काम कीजिएगा। अभी क्या दिक्कत हो रहा है, जब मोटर आपका क्या हो रहा है स्टार में चल रहा है, यानी कि शुरू में कौन सा कॉन्ट्रेक्टर ऑन होता है, स्टार कॉन्ट्रेक्टर और मेन कॉन्ट्रेक्टर, शुरू में स्टार कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा, स्टार कॉन्ट्रेक्टर ऑन नहीं होगा तो किसी भी हाल में आपका मोटर घूमेगा ही नहीं। इसीलिए इंटरव्यू में क्या पूछता है कि पहले कौन सा कॉन्ट्रेक्टर ऑन होता है, पहले स्टार कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा इसके बाद मेन कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा, ऑन होने के बाद मोटर आपका किस में होगा स्टार में चलेगा। तो आप भी प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि मोटर स्टार में चल रहा है लेकिन जैसे ही डेल्टा हो रहा है तुरंत आपका एमसीसी भी ट्रिप हो रहा है और मोटर आपका बंद हो जा रहा है। उस टाइम आपको क्या समझना है कि जो हम कनेक्शन किए हैं फेज सीक्वेंस हमारा ठीक नहीं है, इसीलिए आपका मोटर स्टार में चल रहा है और डेल्टा होते ही क्या हो रहा है मोटर आपका बंद हो जा रहा है। इसके ऊपर भी और डिटेल्स वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो को देखिएगा तो आपका और जो जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। जो जो पॉइंट में आप सभी को बताया हूं अच्छा से वीडियो को देखना है और अच्छा से एक एक पॉइंट को आपको फॉलो करना है तो आपके अंदर में कुछ डाउट भी नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल में आप जब एक थ्री फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का कनेक्शन कीजिएगा एक बार में ही 100 में से 110% आपका सही रहेगा। अभी कुछ कुछ बात जो है वो आपको इंटरव्यू में जो पूछा जाता है इसके बारे में भी नॉलेज बना के रखना है। जैसे दोस्तों U1 U2 V1 V2 W1 W2 ये क्या है, एक ही क्वाइल है। जैसे U1 के साथ U2 जब मल्टीमीटर से कॉन्टिन्यूटी में चेक कीजिएगा एक क्वाइल है इसीलिए आपका कॉन्टिन्यूटी बताएगा, जब आप V1 के साथ V2 को चेक कीजिएगा तब भी आपका कॉन्टिन्यूटी बताएगा क्योंकि एक क्वाइल है, लेकिन U1 के साथ V2 जब चेक करिएगा तो देखिएगा कभी भी कॉन्टिन्यूटी नहीं बताएगा, ना V1 के साथ आपका W2 का चेक कीजिएगा कभी भी कॉन्टिन्यूटी नहीं बताएगा। अभी जो आपका डेल्टा कनेक्शन है ये किस तरह से होता है, जो स्टार कनेक्शन है ये किस तरीके से होता है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज बना के रखना है। जैसे आर वाई और बी जो सप्लाई आप दे रहे हैं किसमें दे रहे हैं, U1 W2 ये आर सप्लाई दे रहे हैं, जो वाई सप्लाई है ये V1 U2 में दे रहे हैं, जो बी सप्लाई है V2 W1 में दे रहे हैं। तो प्रैक्टिकल में जब आप एक मल्टीमीटर लेके चेक कीजिएगा कि 415 वोल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो किस तरीके से चेक करना पड़ता है, जैसे आपने आर सप्लाई जो है U1 में दे दिए, अभी U2 में किसी भी हाल में आप आर सप्लाई नहीं दे सकते हैं, अगर आर सप्लाई दे दीजिएगा तो 415 वोल्ट किसी भी हाल में नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल में क्या देखने के लिए मिल रहा है, जो आर सप्लाई है U1 में दिए हैं तो U2 में क्या देना पड़ेगा, ना यहाँ पे देखिए वाई सप्लाई दिया हुआ है, जब आप वाई और आर में चेक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका क्या 415 वोल्ट बताएगा। फिर जब आप बी सप्लाई है, बी सप्लाई किस में दिए V1 में दिए, तो V2 कौन सा है, V2 में जब आप दे रहे क्या दे रहे बी सप्लाई दे रहे इसीलिए 415 वोल्ट हो रहा है, और जो आपका बी सप्लाई आ रहा है W1 में तो W2 में कौन सा सप्लाई दे रहे हैं, ना आर सप्लाई दे रहे। तो मल्टीमीटर को एसी वोल्ट में सेटिंग करके मल्टीमीटर में दो गो लीड रहता है, एगो कॉमन एगो लाल वाला, और आप आराम से चेक करके देख सकते हैं आर में और वाई में और वाई और बी में और बी और आर में, और जिस तरीका से यहाँ पे कंप्लीट आपको देखने के लिए मिल रहा है सेम इसी तरीका से प्रैक्टिकल में कनेक्शन करना है तो आपका मोटर भी एक बार में 100 में से 110% चालू हो जाएगा,
अगर मोटर में कुछ फॉल्ट नहीं रहेगा तब इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर में और कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया है तो मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का नंबर भी है, इसमें आप बात भी कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका है कि आप ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास अभी बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस से दिया जा रहा है। जब आप जीरो एक्सपीरियंस वाला क्लास ज्वाइनिंग कर लीजिएगा तो ये जो स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर है, डॉल स्टार्टर है, आर डॉल स्टार्टर है, सॉफ्ट स्टार्टर है, पीएमसी है या आरएलसी है, हर एक एक पॉइंट के बारे में आपको बारीकी से समझाया जाता है। जब बारीकी से एक एक पॉइंट को अच्छा से समझ लीजिएगा तो आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। प्रैक्टिकल में जब आप काम कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आप कोई भी इंटीग्रेटेड या लिमिटेड कंपनी में इंटरव्यू देने जाइएगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछता है वो ऑनलाइन क्लास में ऑलरेडी बता दिया जाता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग कीजिएगा या नहीं कीजिएगा। इसमें दो टाइप का आपको क्लास मिल रहा है, एक तो है आपका एडवांस क्लास, दूसरा है जीरो एक्सपीरियंस वाला क्लास। आप दोनों में से कोई भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।